नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। शहर के पुलिस लाइन में महिलाओं के सम्मान के लिए एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह मौजूद रहे। सम्मान अभियान के तहत इस एक दिवसीय सेमिनार में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने कहा कि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। महिलाओं और बेटियों को पिंजरे में बंद करने के बजाय उन्हें फ्री हैंड करते हुए खुला आसमान देना होगा, तभी वे तरक्की कर सकेंगी। जो लोग गलत करते हैं उनके खिलाफ हर हाल में एक्शन होगा। उन्होंने कहा कि समाज के चंद लोगों के कारण महिलाएं और बेटियां खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं, उन्हें इस असुरक्षा की भावना से बाहर निकालना होगा। कलेक्टर ने एसपी और डीएसपी के माध्यम से चलने वाले अभियान की सराहना की। मध्य प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन और पूरा मध्य प्रदेश शासन की ओर से महिलाओं के सम्मान के लिए सम्मान अभियान चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि लोग महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना रखें और उनको आज़ादी से जीने के लिए अवसर प्रदान करें, और जो ऐसे लोग जो इस तरह के भावनाएं रखते हैं, जो उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों पर समय रहते कार्रवाई हो और उनकी समय रहते पहचान हो, उनको समय रहते सजाएं दिलवाई जाएं जिससे कि वो ऐसा करने से बचें और दूसरे लोगों के सामने उदाहरण पेश हो सके कि इस तरह की भावना रखते हुए इस तरह के कामों को अंजाम ना दे सकें। इस दौरान एसपी सचिन शर्मा ने कहा कि महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी देने के लिए ये दूसरा बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ है। डीएसपी अनुरक्ति सबनानी के कार्यक्रम की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि छेड़छाड़ की घटनाओं के स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित स्थानों पर सुरक्षा के पर्याप्त उपाय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन के साथ समाज की भी जिम्मेदारी है कि वे अपराधियों की हरकतों को उजागर करने में मदद करें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी बच्ची के साथ घटना होती है तो उसका मिलकर विरोध करना चाहिए। एसपी ने बताया कि सखी हेल्पलाइन के मोबाइल नंबर 9926477708 तक बेटियां अपनी शिकायत साझा कर सकती हैं। सम्मान अभियान महिला सुरक्षा के संदर्भ में पूरे प्रदेश में व्यापक तौर पर बनाया जा रहा है। आज छतरपुर जिले में जितने भी हमारे भाई ऑटो चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, उन सभी को यहाँ एकत्रित किया गया है जिससे कि उनको जागरूक किया जा सके। ये सभी लोग लगातार जो हमारी बहनें हैं, बेटियाँ हैं, उनको लगातार एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। कहीं पे भी कोई घटनाक्रम हो तो इनको हेल्पलाइन नंबर वगैरह सब बताया जाएगा और ये सुरक्षित किया जाएगा कि हमारा जो शहर है, मोहल्ला है, जिला है, महिलाओं के लिए पूर्णतः सुरक्षित रहे। आरटीओ विक्रमजीत सिंह कंग ने अपने उद्बोधन में कहा कि अगर कोई चालक परिचालक महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा और वह प्रदेश से लेकर देश तक वाहन नहीं चला सकेगा। कार्यक्रम में गायक ज्ञानेंद्र तिवारी, उच्चारू थाना प्रभारी माधवी अग्निहोत्री, यातायात प्रभारी कैलेंद्र नागेश, रक्षित निरीक्षक कैलाश पटेल और डीएसपी महिला सेल अनुरक्ति सबनानी मौजूद रही। इस एक दिवसीय सेमिनार में बस चालक, ई रिक्शा चालक और टैक्सी चालक भी मौजूद रहे। इन चालकों को प्रेरित किया गया कि महिलाओं की उपस्थिति में आपस में अमर्यादित भाषा का उपयोग न करें, क्योंकि इससे महिलाओं में उन लोगों के प्रति गलत भाव उत्पन्न होता है। ई रिक्शा चालक शिवम मिश्रा ने सभी चालकों को संकल्प दिलाया कि वे महिलाओं बेटियों को सुरक्षित घर पहुंचाएंगे ताकि शहर के चालकों परिचालकों के प्रति महिलाएं सकारात्मक सोचें। या हमारे ई रिक्शा में कोई महिला बैठती है तो उसे सुरक्षित पहुंचाया जाए, वो कहीं मंदिर जाए, कॉलेज जाए, किसी ऑफिस में जाए या अपने घर जाए। इसकी हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसे वहां तक सुरक्षित पहुंचाएं। अगर हमें ऐसा लगता है कि वहां वह किसी मुसीबत में है तो हम बिना किसी डरे या तो पुलिस की मदद लें या हम खुद सक्षम हैं तो उसकी मदद करें। ई रिक्शा यूनियन अध्यक्ष होने के नाते ये बताना चाहूँगा कि हमारे सभी भाई ई रिक्शा वाले या ऑटो रिक्शा वाले महिला का सम्मान करें और जानबूझकर कोई गलती ना करें। पुलिस का सहयोग आपके साथ है, आप पुलिस के साथ हैं और जब तक हम नहीं सुधरेंगे जब तक युग नहीं सुधरेगा। पहले अपने आप को सुधारना जरूरी है। ये बात लागू महिलाओं पर भी होती है और पुरुषों पर भी होती है। इस बात को कि अगर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।